आरक्षण में कोटा में कोटा के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने की प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत बंद का एसपी बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और नेता भारत बंद में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस आरजेडी जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। भारत बंद को देखते हुए जयपुर समेत राजस्थान के 4 जिलों में स्कूल बंद रहेगा। बीएसपी लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद किया गया है। आरक्षण में कोटे में कोटे का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो जो क्रीमी लेयर इसमें बनाई गई उसका कड़ा विरोध, कड़ा ऐतराज जताया गया है। भारत बंद का ऐलान किया क्यों गया है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं, जो फैसला है उसके आधार पर क्या क्या मांगे इन पार्टियों की ओर से रखी गई हैं, जो पार्टियां इस विरोध का समर्थन कर रही हैं। तो मायावती ने भी ट्वीट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे लेकर। भारत बंद को बीएसपी ने समर्थन किया है और लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने की अपील उन्होंने की है। कहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण विरोधी षड्यंत्र रचकर इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करना चाहती हैं। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का संवैधानिक हक मिला। इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई खिलवाड़ न करें। अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर कहा है कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार एक होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सहारनपुर से। देवेश त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गाजियाबाद का, अमित राणा के पास चलते हैं। अमित, गाजियाबाद में कितना असर दिख रहा है भारत बंद का जो ऐलान किया गया है और कई पार्टियों का समर्थन इसे मिल रहा है, बसपा का भी, समाजवादी पार्टी का भी? श्रीनम, आपको बताना चाहूंगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लेकर जैसे ही क्रीमी लेयर को, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया, उसके बाद से ही तमाम जो संगठन है उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। आपको सबसे अहम चीज बताना चाहूंगा कि सबसे अहम चीज में अपने जो राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अगर भारत बंद की मैं बात करूं, आज सुबह से ही यहां पर ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं कई दलित संगठनों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि हम सिर्फ आएंगे और डीएम आवास में आकर या डीएम ऑफिस में आकर अपना ज्ञापन देंगे। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि क्रीमी लेयर को लेकर उनका विरोध बेशक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं। यही कारण भी है कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे का उन्होंने समय दिया है कि 10 से 11 के बीच में गाजियाबाद के जिलाधिकारी दफ्तर पर वो पहुंचेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि क्रीमी लेयर को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो बताया गया था उसमें यह कहा गया था कि इसमें कुछ जाति अति पिछड़ी हैं और कुछ जाति ऐसी हैं जो काम ही कुछ पिछड़े वर्ग का अभी भी करती हैं, तो उनको लेकर आरक्षण की बात कही गई। जो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी
क्रीमी लेयर एक वर्ड अपने आप में अपने आपको बताता है, अपने आपको खुद ही ये बता देता है कि क्रीमी लेयर का वर्ड यही था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो किया गया, फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले के विरोध में चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे वो आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी हो, तमाम दलों ने आज 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया था। लेकिन सुबह का 9 तकरीबन बज चुके हैं, लेकिन ऐसे में कहीं भी भारत बंद के आह्वान का जो दिखाया जा रहा था ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात की जाए मार्केट की, तमाम मार्केट खुली हुई है। अगर बात की जाए सरकारी दफ्तरों की, वो खुले हुए हैं। अगर बात की जाए सड़कों पर चलने वाले लोगों की, तमाम लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। गाजियाबाद की हमने बात कर ली, बात सहारनपुर की भी कर लेते हैं। देवेश त्यागी वहां से जुड़े हुए हैं। देवेश, जरा सहारनपुर की तस्वीर दिखाइएगा, भारत बंद का कितना असर दिख रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके विरोध में विपक्षी पार्टियों ने ये भारत बंद का आह्वान किया था, और यहाँ सहारनपुर में इस बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ मार्केट आपको देख सकते हैं धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई है। और यहाँ जो आवागमन है, जो ऑफिस जा रहे हैं लोग, वह भी अपने आराम से जा रहे हैं। यहाँ किसी तरह का विरोध यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है भारत बंद का असर यहाँ सहारनपुर में नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई असर नहीं है भारत बंद का। मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि आज कोई इस तरह का भारत बंद का ऐलान किया भी गया है। यही वजह है कि ज्यादातर दुकानें खुली दिख रही हैं, जैसा कि देवेश ने भी हमें बताया। आगे बढ़ते हैं और निमिष गोस्वामी के पास चलते हैं। रामनगरी अयोध्या में भी दिख रहा है क्या भारत बंद का असर? निमिष, जरा दिखाइएगा तस्वीरें भी और बताइए। देखिए, अयोध्या अपने रो में चल रही है और यहाँ भारत बंद का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। पहले तो सबसे मैं अपने घर बैठे दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये रामनगरी का सबसे क्रीमी इलाका है, ये वो रोड है जहाँ से राम जन्मभूमि और कनक भवन हनुमानगढ़ी, इसको भक्ति पथ कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद सुबह से ही है और लगातार ये आपको मार्केट खुलती दिख रही होंगी। देख लीजिए, जो अयोध्या की रौनक है, जो खूबसूरती है, वो साफ नजर आ रही है। रामनगरी में चाहे निजी संस्थान हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, या फिर बाजार हो, सभी खुले हुए हैं। रामनगरी अपने रौ में बाकायदा चलती चली जा रही है। माँ सरयू के तट पर बसी ये नगरी, आप विश्वास मानिए, यहाँ आरक्षण का अभी तक कहीं कोई भी, ये कहा जा सकता है कि किसी को खबर भी नहीं है ऐसा भारत बंद की, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर साफ नहीं दिखा। फिलहाल 9 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और अयोध्या धीरे धीरे, अयोध्या की मार्केट है वो खुल गई है, लोग अपने गंतव्यों पर जा रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन कर अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुएं हो, चाहे फिर पूजन सामग्री हो या फिर प्रसाद वगैरह हो, ये सब बाकायदा खरीद रहे हैं और अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो भारत बंद का अयोध्या में तो फिलहाल कोई भी असर नहीं दिखा है। देखिए, SC ST एक्ट के विरोध में जो भारत बंद का जो आह्वान था, जिसको लेकर के विपक्ष प्रयासरत था, जैसे अभी बता रहे थे कि अखिलेश जी का भी ट्वीट है, इसके अलावा मायावती ने भी ट्वीट किया, कि तमाम जो ये लोग हैं इनके जो आह्वान है बंदी का, या इसकी जो सफलता फिलहाल अयोध्या में नहीं दिख रही, अयोध्या अपने रौ में चल रही है, अयोध्या की मार्केट। बिल्कुल, तो कह सकते हैं ज्यादातर जगहों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका निमिष गोस्वामी, आपने अयोध्या की तस्वीरें दिखाई। तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे और कोई खास असर भारत बंद का नहीं दिख रहा है।